प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों पिछले टर्न पे हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस में जो होता है, न्यूक्लियर में क्या क्या चीज़ें होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, अपने आइंस्टीन का एनर्जी क्वेश्चन में दिखा था कि मास को कैसे अपन एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास को अपन कैसे एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें होती है जो अपन ने पढ़ाई की थी। ठीक है, अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ समझना कि अब न्यूक्लियस में अपन आगे बढ़ते हैं तो खैर जो भी है मास रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एम सी स्क्वायर ये याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन के जाने में कितनी एनर्जी का वो होता है, मास को कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5, 10 × 9, 9 × 10 kilo electron volt, तो ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। 1 U कितना होता है, 931 mega electron volt, तो ये सारी बातें तुम्हें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ताकि क्योंकि सवाल जब तुम्हारा आएगा तुम देखोगे कि तुम्हें इन चीज़ों का यूज़ पड़ने वाला है। तो उसका मास कितना एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन का मास कितना एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब कहाँ यूज़ आएगा ये तो अपन आगे बात करेंगे। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की रेडियस। न्यूक्लियस के रेडियस पढ़ने के लिए साइंटिस्टों ने एक फॉर्मूला दिया, R = r0 a^3। ये न्यूक्लियस का रेडियस है, समझना, ये एटम का रेडियस नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की रेडियस की बात कर रही हूँ। R = r0 a^3, जहां r0 की वैल्यू है 1.1 femtometer। व्हाट इज फेमटोमीटर? 1 femtometer इज 10^-15 meter। 1 femtometer इज 10^-15 meter। तो r0 की वैल्यू है 1 fm। ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरा, यहां a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास नंबर। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहां एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास नंबर। और 1 fm बोले तो 10^-15 meter, दैट इज 1 femtometer। 1 fm इज 10^-15 meter, 1 femtometer। यानी कि r की वैल्यू अगर देखा जाए तो वह है r0 a^3। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं समझना इस चीज को, कि अगर मान लो सवाल कैसा पूछता है, सवाल पूछेगा कि मान लो मैंने बोला कि अल्मोनियम के रेडियस का बताओ, अल्मोनियम का रेडियस कितना होगा ये बताओ, तो जनरल है फॉर्मूला, पुटिंग एंड गेटिंग आंसर रहेगा। तो मैंने क्या बोला यार, अल्मोनियम का जो एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता 27, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा बहुत वो होता 27 हो गया। डालो फॉर्मूला में, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्मोनियम विल बी R = r0, यानी कि 1.1 × 27^3, दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 3.3 fm, दैट इज इक्वल्स टू 3.3 × 10^-15 meter। ये होगा अल्मोनियम के न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला, 3.3 × 10^-15 meter। बहुत सिंपल सी बात है, या इसको 3.3 femtometer भी तुम बोल सकते हो। ये आ गया अल्मोनियम। तो इस तरह का सवाल बकवास आएगा इसके ऊपर। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। समझना इस चीज को, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस दूसरी बात आती है, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज रो। डेंसिटी क्या होता है किसी भी चीज का? वो होता है मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी रो इज मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ किसकी मास की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की मास की। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की मास की। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि अप्रॉक्सिमेटली वी कैन एज्यूम दैट द मास ऑफ प्रोटोन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम। द मास ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटोन। अगर किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर ए है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन इज ए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? ए। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो ए है। किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर अगर ए है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? वो ए। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर अगर ए है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक प्रोटॉन का मास को तुम एमपी मान लो, एक प्रोटॉन का मास आ गया एमपी, जो कि अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। इंटू अगर मैं कर दूं ए, प्रोटॉन का मास इंटू ए, यानी कि वो टोटल न्यूक्लियस का मास आ गया। भाई न्यूक्लियस में टोटल जेड प्लस एन है, नंबर है ये, जेड प्लस एन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 10, मान लो 10 है, एक का मास है एमपी, तो 10 का मास कितना हो गया? 10 × a, दैट इज इक्वल टू द मास। ये क्या है? तो ये मास ऑफ किसका लिखा हुआ है? ये मैंने जो लिखा है ये किसका लिखा है? ये लिखा है मैंने मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया? 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया? 4/3 πr³, दैट इज इक्वल्स टू mp × a / 4/3 πr³।
यानी कि आर नॉट इन टू ए की पावर 1/3 इन टू 3 आर नॉट क्यूब, देख रहा है आर क्यूब रेडियस कितना निकाल, रेडियस देखो आर नॉट ए की पावर 1/3 यानी कि आर नॉट क्यूब ए की पावर 1/3 इंटू 3, यहां से 3 कट गया, यहां से ए को ए से कट गया, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट एम पी अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी कि वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी कि जहां हाइड्रोजन की बात करो तुम ऑक्सीजन की बात करो, तुम नाइट्रोजन आयरन किसी की बात करो, हर एक एटम के न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी दैट विल बी सेम बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर एटॉमिक मास नंबर ए। अगर वो एटॉमिक मास नंबर ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है यानी कि हर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो तो सेम होगी, वो कितनी होगी, तो अब हर न्यूक्लियस जब तुमने यहां पर वैल्यू डाला, सपोज करो यहीं पे देख लो, सपोज करो तुमने, मैंने बोला ये तुमने यार डाला कि रो की वैल्यू मान लो तुमने यहां डाल दिया, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तो वो होता है 1.67 इंटू 10^-27 के जी अपॉन 4/3 पाई आर नॉट, आर नॉट कितना है मेरा, आर नॉट है 1.1 फेमटोमीटर है, ध्यान रखना इंटू 10^-15 करना मत बोलना, इसका होल क्यूब यह आ जाएगा। अब जैसे तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये पूरा कैलकुलेशन जब तुम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो आता है वो आता है 2.2 समथिंग आता है, यानी 4 या 3 आता है, तुम देख लेना 2.4 या 3 आता है इंटू 10^17 के जी पर मीटर क्यूब, 2.14 या 2.4 ऐसे आता है इंटू 10^17 के जी पर मीटर क्यूब। तुम सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है, एक मीटर क्यूब का अगर कोई बक्सा ले लो तुम, उसके अंदर जो पानी होता है अगर उसके अंदर पानी भर दो तो उस पानी का मास होगा 1000 के जी, यानी कि एक मीटर क्यूब बक्से में अगर तुमने पानी भर दिया तो उसका मास होगा 1000 के जी। वही एक मीटर क्यूब बक्से में अगर तुमने न्यूक्लियस भर दिया तो उसका मास होगा 2.4 × 10^17 के जी, पानी कितना 10^17 के जी। सोचो न्यूक्लियस कितना डेंस है, कितना ज़्यादा डेंस है, एक छोटे से जगह पे कितना ज़्यादा मास कंसंट्रेटेड है, दैट इज न्यूक्लियस। ये डेंसिटी आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए, दैट इज 2.4 × 10^17 के जी पर मीटर क्यूब। तो ये पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, दो चार बातें, ये छोटे मोटे डेरिवेशन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। अपन आगे बात करते हैं, देखो आगे अपन किसी बात करते हैं, हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर में लग रहा फोर्स जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर लग रहा फोर्स जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर एक नॉर्मल सा मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, एक तो न्यूट्रॉन भी होंगे, कुछ प्रोटॉन भी होंगे, ऐसा होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, ये सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं समझना, इस चीज को बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, समझना। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, प्लस ही, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो एक दूसरे पे ये लगा रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर, यही फोर्स लग रहा होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10^-19 या जो भी हो जाए का स्क्वायर, यानी कि जो भी हो, इनके बीच की दूरी एक न्यूक्लियस का खुद का रेडियस तो 10^-15 में होता है, एक न्यूक्लियस का खुद का रेडियस, रेडियस की बोले तो एक न्यूक्लियस का ये जो डिस्टेंस होता है ये 10^-15 के टर्म में होता है फेमटोमीटर में, इनमें रखा हुआ है प्रोटोन, उनके बीच का गैप कितना कम होगा, कितना ज़्यादा कम होगा। अब तुम सोचो इतना कम गैप में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी भाई, इतना कम गैप है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कितना ज़्यादा होगा,
उसके बाद भी ये अलग नहीं हो रहे, यानी कि इस रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्ट कर रहा है, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन को अपने में बाइंड करके रखा हुआ है। दैट फोर्स विच इज एक्टिंग इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में हम लोग अब नए सिरे से स्टडी करने वाले हैं। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, हमने वीक वैन डर वाल फोर्सेस भी पढ़ा है, ये सारा फोर्स हमने पढ़ लिया। बट दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है, जिसका स्ट्रॉन्गनेस 50-60 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। न्यूक्लियर फोर्स 50-60 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सोचो इतना ज्यादा, इतना गुना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या तुम्हें ध्यान रखनी है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तुम्हें कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले भी बता देता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी भी हम लोग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम लोगों ने बहुत कम चीज़ें इसके बारे में डिस्कवरी की है। अभी फिलहाल न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कवरी होना बचा हुआ है, बहुत कुछ डिस्कवरी हो रहा है आड़ी बात में, बट अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कवरी किया है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, फिलहाल तो अपन उन डिस्कवरियों को देख लेते हैं और फिर अपन आगे बात करेंगे। अब न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी की बात की जाए तो न्यूट्रॉन के बीच में जितना न्यूक्लियर, पहली बात तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स होगा, 50-60 टाइम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो सबसे पहली बात, स्ट्रांगेस्ट फोर्स कितना, 50-60 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहली बात हुई। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अब तुमको ये क्या बला है, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि न्यूट्रॉन के बीच में जितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होगा, उतना ही न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, बट उसके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा वो न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा न्यूक्लियर फोर्स के बराबर होगा। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स, पहली बात तो समझ में आ रही बात, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आ रही बात समझ में, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अगली बात क्या, सबसे अच्छी बात, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और भी बहुत सारी चीजें, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, पहली बात हुई। दूसरी बात, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रेंज। क्या होता है शॉर्ट रेंज फोर्स? शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर फोर्स एक खास दूरी तक ही एक्ट करता है, उसके बाद एक्ट करना ही बंद कर देता है। मतलब कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी एक खास बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब हुआ कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी एक खास है तो ही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, उससे कम है तो लगेगा, उससे ज़्यादा तुमने अगर दूरी कर दी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। तुम सोचो, अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर के अंदर में ही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, अगर तुम्हारा दूरी दो चीज़ों के बीच में 1.1 या 1.2 हुआ, फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या कि दूरी कम तो फोर्स ज़्यादा, दूरी ज़्यादा तो फोर्स कम, लेकिन फोर्स लगेगा। बट न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर दो प्रोटोन के बीच की दूरी 10 फेमटोमीटर से ज़्यादा हो गई, फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। ये फोर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 फेमटोमीटर तक लग सकता है, 10 फेमटोमीटर से तुमने दूरी ज़्यादा की, फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर रेंज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रेंज, मतलब जिस रेंज में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर पाएगा दैट रेंज इज नोन एज न्यूक्लियर रेंज। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10 फेमटोमीटर तक ही एक्ट कर पाएगा, 10 फेमटोमीटर से ज़्यादा तक में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में, 10 फेमटोमीटर से ज़्यादा तक में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, एक खास दूरी के लिए ही लग सकता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लो, ग्रेविटेशन, सन कहाँ अर्थ कहाँ, फिर भी सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगा सकता है,
चार्ज में देखो, एक चार्ज बॉडी यहाँ, एक चार्ज कितनी दूर भी चार्ज बॉडी क्यों ना प्रेजेंट हो, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। बट न्यूक्लियर फोर्स के साथ ऐसी बात नहीं है, अगर तुमने दूरी 10 फेमटोमीटर से ज़्यादा की, न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स जो कि मैक्सिमम 10 फेमटोमीटर तक ही लग सकता है। आ रही बात समझे, ये न्यूक्लियर फोर्स की बात आ गई। पहली बात शॉर्ट रेंज फोर्स आ गया, दूसरी क्या बोला मैंने, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का, सारा का न्यूक्लियर फोर्स सेम होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो एक दूसरे के सेंटर पे फोर्स लगाए। जैसे मैं बोलूं कि मार्कर को अगर मैं छोड़ता हूं तो मार्कर को अर्थ किधर खींच रहा होता है, अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा अर्थ है, एक आदमी अगर यहाँ पे अर्थ पे खड़ा है तो अर्थ इस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है। अगर दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा है तो इस पे अर्थ इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, तो ये इधर की तरफ, यानी कि फोर्स जो लग रहा है आदमी पे वो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो कि सेंटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लग रहे होते हैं या उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहे होते हैं। आ रही बात समझ में, तो न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, समझना इस बात को, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। और दुनिया में जो भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो जनरली कंजर्वेटिव होते हैं। सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो जनरली कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है। बट न्यूक्लियर फोर्स इसीलिए सेंट्रल फोर्स नहीं होगा, सेंट्रल फोर्स नहीं है इसीलिए ये नॉन कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता है इसीलिए ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बट न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। वो अपने को अट्रैक्ट, अगर वो रिपल्सिव होता तो न्यूक्लियस कैसे बनता, न्यूक्लियस को बनाने के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन कितना धक्का दे रहा है, फिर भी वो सारे एक साथ बंधे पड़े हैं। बंधे इसलिए पड़े हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सबको आपस में बांध के रखा हुआ है। आ रही बात समझ में, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होता था, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी अपना एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। मतलब न्यूक्लियस की दुनिया भी अपनी एक अलग दुनिया ही होती है। जैसे तुम बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का अपना एक सेल होता है, एक्साइटेशन सेल, पहला फर्स्ट एक्साइटेशन सेल, सेकंड एक्साइटेशन सेल, उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी अपना एक एक्साइटेशन सेल होता है। न्यूक्लियस भी एक्साइटेड होकर हायर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्या बोलता हूँ मैं, एन बराबर वन से इलेक्ट्रॉन एन बराबर टू में चला गया, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसी तरह न्यूक्लियस का भी अपना एक एक्साइटेड स्टेट होता है, वो भी लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूक्लियस का भी अपना एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें लग रहा होता है फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ये सारा न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। आ रही बात समझे, तो ये खैर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सारी बात हो गई। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन आगे बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के अनस्टेबिलिटी कैसी होती है, बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।